Thank you.
तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरे घूमे वाले बाल, तेरे घूमे वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार।
गीता में मिलता है, पता है ये बात? जैसा अभी प्रभा मैडम ने कहा कि किसी भी संस्था का सफलता उनके लीडर्स पर डिपेंड करता है, तो मैं श्री कृष्ण जी की भागवत गीता के कुछ अंश में एक श्लोक है वो आपके सामने रखूंगा। उसमें क्या लिखा है वो देखिए, सदृश्यम चेष्टते स्वसः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम करना चाहिए और वैसा ही काम चुनना चाहिए, वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो। हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, अपने अस्तित्व के जरूरत के अनुसार काम करें। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में है इसे इस समय है, जो काम आपके हाथ में इस समय है यानी वर्तमान कर्म, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, उसे पूर्ण करो। तो जब हम काम आज का काम आज कर लेते हैं, वर्तमान का काम कर देते हैं, हम प्रेजेंस में जीते हैं, तो हमारा फ्यूचर बहुत सिक्योर होता है। जब हम का काम वर्तमान का काम प्रेजेंस जो प्रेजेंट का काम है उसे करने पर हमें जो सफलता मिलती है वही एक नेचुरल सफलता है। इस पूर्ण ज्ञान को श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में दे दिया, ये हम इसमें समझें। तो आज हमारा काम क्या है, एज अ स्टूडेंट हमें जिस क्लास में है उसको बहुत अच्छे से पास करना है, और सबसे ज्यादा लागू होती है ये बात क्लास 9th ऑनवर्ड्स बच्चों के ऊपर। वो लोग श्लोक अध्याय 3 श्लोक नंबर 33, ये इसको आप नेट से खोजे, भगवत गीता में ढूंढे, अध्याय 3 चैप्टर 3 वर्स
33। इसको देखें और अपने जीवन में इसको पालन करें, आपको निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। और किसी भी चीज की सफलता के लिए हम सभी लोग बराबर के योगी होते हैं, योगदान देने वाले होते हैं।